हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा करता हूँ मेरे दोस्त जहाँ भी होंगे और अच्छे खुशी से होंगे। तो आप सभी दोस्तों को सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत मुबारक, और आने वाले जो त्यौहार हैं उनके लिए भी स्पेशली, और जो आज दिवाली है उसके लिए भी, और जो मेरे नए आने वाले दोस्त हैं उनको भी मोस्ट वेलकम, और उनको भी दिवाली की मुबारक। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं, वीडियो देखते हैं और टाइम देते हैं, तो उनके लिए भी दिवाली की बहुत बहुत मुबारक। सो फ्रेंड्स, आज मैंने एक बेचने के लिए कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, स्पेशली थैंक्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं अपने सभी दोस्तों के लिए, ये मेरे जितने भी हैं देखने वाले हैं दोस्त हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि जो मेरा वीडियो देखते हैं। और ये सामने आपके एक मर्फी का रेडियो दिखाई दे रहा है, ये स्पेशल थैंक्स के लिए मैंने एक वीडियो डाला है। ये जो रेडियो भेजा था मेरे पास, ये पंजाब से आया था, फाजिलका से, और दोस्त हैं हमारे दर्शन सिंह जी, उन्होंने ये भेजा था। तो मैं स्पेशल थैंक यू कहना चाहता हूँ उनको कि उन्होंने चुन के मेरे लिए एक रेडियो भेजा। ये इसलिए मैंने इसको अभी तक सेल भी नहीं किया और ना ही इसको सेल करना है, और ट्रांजिस्टर पे चलता है, वुडन टेबल ट्रांजिस्टर है और बढ़िया वर्क करता है। तो उन्होंने स्पेशल ही मुझे बोला था कि भैया इसको सेल ना करना, तो मेरा भी मन था कि इसको सेल नहीं करना है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस तरह का रेडियो जिस भी बंदे के पास मिले, मान ले आपके आसपास मिल जाए, मेरे जितने भी दोस्त देखने वाले हैं सुनने वाले हैं जो रेडियो के पुराने श्रोता हैं, तो उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप तो इस तरह के रेडियो संभाल कर रखें, बढ़िया चलते हैं। और जो आजकल के सेल पे वर्क करने वाले रेडियो हैं, ये बिजली पे भी चलता है और ये रेडियो बैटरी पे भी चलता है। इसमें सेल लगाने का ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन मैंने बैटरी का ऑप्शन निकाला हुआ है इसमें, तो ये बैटरी पे वर्क करता है। पुराना रेडियो है, बड़ा अच्छा है। और एक बात और आप लोगों से शेयर करनी थी, मेरे पास एक आज एक कॉल आई थी महाराष्ट्र के बदलापुर से, एक कॉल आई थी, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं वीडियो में फिर बता दूंगा आप लोगों को। तो वो एक ब्लाइंड मैन है, ब्लाइंड है बेचारे, तो उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी थी रेडियो की, तो उन्होंने बाद में मुझे बताया और बाद में मैंने उनकी पूरी बात सुनी। तो वो काफ़ी मेहनती है, वो बदलापुर से कहीं दूर जाते हैं काम करने के लिए, कहीं बॉम्बे शहर में जाते हैं, वहाँ पर वो मालिश वगैरह काम करते हैं और एलईडी रिपेयर का काम करते हैं, एलईडी बल्ब जो होते हैं। ब्लाइंड होने के बावजूद भी वो इतना सारा काम करते हैं, मैं थोड़ा अप्रिशिएट हुआ उनसे। तो अगर वो मेरे किसी दोस्त को मिले तो थोड़ा उनकी हेल्प ज़रूर करना भाई, क्योंकि दूर दूर तक वीडियो जाती है। वो बदलापुर के हैं और उनका नाम मैं नहीं, अब इस वीडियो में तो खैर नहीं बता पाऊँगा, अगली वीडियो में बताऊँगा आप दोस्तों को। सो आप सभी दोस्तों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ। और इसका थोड़ा सा ट्यूनिंग दिखा देता हूँ रेडियो का, तो थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों। हो सकता है थोड़ा मैं वीडियो वैसा ना बना पाऊँ जैसा बनाता हूँ, क्योंकि मेरी छोटी बेटी मेरी गोद में है यार समझा करो, तो मैं भी बना रहा हूँ, देखो। पहले के नए ओवर की गिल बॉलिंग कर रहे हैं, और जैसे फ्लाइट किया था, ड्राइव किया ऑफ साइड में, मिड ऑफ की तरफ, एक रन लेने का मौका आसानी से मिल गया, स्कोर हो गया 137 रन 4 विकेट के नुकसान पर। वो बहुत कराई की जा रही है, ये आक्रमण जिसके बारे में हम बात, और जितना इस विश्व कप में भारत का रहा, इसी बीच अगली गेंद फ्लाइटेड थी शुभमन गिल की, और हाफ वॉली पर लेकर ड्राइव किया ऑन साइड में डीप मिड ऑफ की तरफ, फिर से एक रन आसानी के साथ ले लिया। गिल ने इस ओवर में 3 रन दिए हैं। अगली गेंद ने थोड़ी शॉर्ट और बैकफुट पर कट किया, लेकिन इस पर फिर
हवेंग फूड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने लॉस्ट्रिन यानी घोंगे और चावल के नूडल्स से बना एक पकवान बनाने के लिए 4.3 फीट। सो दोस्तों, ये जो ऊपर वाला है, ये भी वीडियो आप देख लो, ये मैंने डाला हुआ है बेचने के लिए। उड़ते हैं ना तो फिर उसकी रामत अलग ही थी। और कनाडा 140 रन।